किंगडम है, तो एनिमल किंगडम का जो फाइलम है, एनिमल किंगडम के दो फाइलम हम लोगों ने नॉन प्लैनेटा में पढ़े, एक था प्लेटेरियम थी और दूसरा था एस्केरियम। प्रशन्या ने ये पूछा कि भाई प्लेटेरियम और एस्केरियम में डिफरेंस क्या है, सीधी सी बात ये समझिए, प्लेटेरियम जो है वो हमारे क्या बेटा फ्लैट टॉप, ये क्या है फ्लैट टॉप, हम इतना सीधे से क्या समझेंगे जो डिफरेंसेस क्या है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। और ये हमारे क्या है राउंड वर्म, या क्या होगा बेटा राउंड वर्म, एस्कल शब्द का मतलब ही राउंड है और फ्लैट शब्द का मतलब भी, फ्लैटे शब्द का मतलब ही बेटा फ्लैट, और हेलमेंट का मतलब होता है वर्क, हेलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा वर्क, समझ में आ गया। तो ये क्या है फ्लैट वर्म्स है वो राउंड वर्म्स है, बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ये मार्कर राउंड है, मार्कर क्या है राउंड है, और ये मोबाइल जो हमारा है या जो आपका ये स्केल है ये क्या है फ्लैट, आप समझ पा रहे ये राउंड हो गया ये फ्लैट, तो ये बेसिकली फ्लैट वर्म्स हो गए। और दूसरा इवोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो पहले कौन आता बेटा प्लेटेरियम, तो ये थोड़ा सा इवोल्यूशन में पीछे है, इनको थोड़ा सा इवोल्यूशन में आगे रखा गया। अब मैं सिमिलरिटी पहले आपको समझ लेता हूं, ये दोनों अगर आप देखोगे तो ये भी आपका क्या है बेटा प्लेटेरियम क्या है, ये भी आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, पहले हम लोग सिमिलरिटी समझ लेते हैं, और ये भी क्या है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक, दूसरा अंतर समझ लें, इनमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें बेसिकली सिमेट्री अगर आप देखोगे प्लेटेरियम में तो क्या बेटा बाइलेटरल, और इसमें भी अगर सिमेट्री देखोगे तो क्या है बाइलेटरल, तो दोनों में जो सिमेट्री हो रही है जैसी है और थोड़ा सा एक जैसा और क्या, इनमें तो पूरे के पूरे पैरासाइट है, इसमें तो कुछ लिविंग नहीं, तो यहाँ पर जो पैरासाइट का नेचर है ये भी पैरासाइट में कैसे है इंडो है बेटा, और ये भी इसमें जो पैरासाइट है वो भी कैसे बेटा सेम है इंडो है पैरासाइट, हाँ इसके अलावा यहाँ पे कुछ फ्री लिविंग है लेकिन इनमें तो फ्री लिविंग के नाम पे बहुत कम, इकलौता है एनिमल प्लेनेरिया आपका ऐसा है जो फ्री लिविंग होगा, ये तो बातें हो गई सिमिलरिटी। अब जब हम लोग डिसिमिलरिटी पे बात कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, जो प्लेटेरियम है ये इसकी बॉडी कैसी है फ्लैट बॉडी है, इसकी बॉडी कैसी है राउंड बॉडी है, दूसरी बात देखोगे ये बेसिकली कैसे बेटा इनमें शीलों तो है ही नहीं, इनमें क्या है एसिलोमेटिक है, एसिलोमेटिक है, और इनके पास सीलों तो नहीं है लेकिन सीलों जैसा कुछ है, तो ये क्या है स्यूडोसिलोमेटिक, स्यूडोसिलोमेटिक बात समझ में आ रहा है, स्यूडोसिलोमेटिक है, सीलो नहीं है स्यूडोसिलोमेटिक है छोटा सीलो। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो इनमें ऑर्गेनाइजेशन अभी कैसा हुआ है बेटा आर्गन लेवल हुआ है, कैसा हुआ है आर्गन लेवल हुआ है, और इनमें अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो बड़ा अच्छा हो चुका है बेटा आर्गन सिस्टम लेवल हो चुका है, आर्गन सिस्टम लेवल, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे तो जो फ्री लिविंग है उनमें तो कंप्लीट है लेकिन जो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें इनकम्प्लीट पाया जाएगा जिनमें विषय क्या होगा बेटा पैरासाइट्स। इसके अलावा इनकी बॉडी में क्या होगा बेटा स्यूडो सेगमेंट होंगे, छोटे छोटे स्यूडो सेगमेंट होंगे, जबकि आप इनकी बॉडी में देखोगे तो बेटा सेगमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता नॉन सेगमेंटल होते, दोनों ही कैसे होते हैं नॉन सेगमेंटल होते हैं, ये कैसे होते हैं बेटा प्लेटेरियम अगर आप देखोगे तो बाइसेक्चुअल होते हैं, यानी आपके क्या होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे ये कैसे होते बेटा ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जब ये चूंकि बाइसेक्सुअल है तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जैसा शब्द ही नहीं आएगा, अगली बात समझ पा रहे हैं, लेकिन इनमें बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, जो फीमेल होता है वो क्या होगा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें होगा, और जो फीमेल होगा वो मेल के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होगा और बॉडी जो है कमजोर, क्लियर हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे अगर प्लेटेरियम में और सिमिलरिटीज है, जैसे क्या सिमिलरिटी बेटा एक और बड़ी चीज सिमिलरिटी है कि दोनों का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है इनडायरेक्ट, दोनों में सिमिलरिटी देखिएगा दोनों में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है इनडायरेक्ट हो रहा है, यहाँ भी इनडायरेक्ट है और यहाँ भी क्या है इनडायरेक्ट, अब जाहिर सी बात दोनों में लार्वा भी होंगे है ना, दोनों में लार्वा होंगे, तो यहाँ के लार्वा अगर आप देखोगे प्लेडिया सर्केरिया मेटा सर्केरिया कई होते हैं और वहां पे इकलौता आपका विषय कैसा होता है फाइलेरिया का, समझ गए।
एक चीज और सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है, जो इनमें पैरासाइट होंगे और जो इनमें विंडो पैरासाइट होंगे, नेचर उनके ऊपर एक कवरिंग देंगे, जो पैरासाइट होंगे तो इनके ऊपर बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है बेटा वो भी आपकी बेसिकली क्यूटिकल की एक कवरिंग है, क्यूटिकल की एक कवरिंग है, और यहां पर भी जो पैरासाइट होंगी बॉडी में क्या है, क्यूटिकल की कवरिंग। मैंने कहा जो पैरासाइट है, मैंने कहा जो फ्रिज भी नहीं है उनके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग नहीं होगी। ऐसा क्यों भाई, नेचर के लिए तो हम सब बराबर है। अगर पैरासाइट को कुछ दे रहा है तो हमें भी दे रहा है, हमारे गट में हमारे स्टमक में एचसीएल है, इनको खत्म कर देगा, तो नेचर ने इनको एचसीएल से बचने के लिए क्यूटिकल की एक कवरिंग दे दी, समझ रहे आप। और दोनों ही आपकी बेसिकली प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट में होंगे, डिजीज दोनों ही कॉज कर रहा है, ये भी डिजीज कॉज रहा है, ये भी डिजीज कॉज कर रहा है। इनकी अगर आप डिजीज देखोगे तो टीनियासिस जैसे टीनिया में हो गया, इनकी अगर आप डिजीज देखोगे तो एस्केरिसिस है ना, जो एस्केरिस के थ्रू होता है। दूसरी इनकी एक डिजीज देखोगे तो फाइलेरिया है ना, बॉक्सिलियम एन्केफेलाइटिस में होता है, पिनवॉर्म्स हुकवॉर्म्स इन्हीं में होते हैं, जो छोटे बच्चों में कीड़े हो जाते हैं। इनका अगर आप देखोगे तो फाइलेरिया इस इनका सॉरी टीनियासिस हो गया, इसके अलावा लीवर फ्लूड हो गया, लंग फ्लूड हो गया। तो क्या हम ये बात समझ चुके हैं, ठीक है। कैसे आप देखो ना, जो मेन चीज है यहाँ पे तो सिलोम ही नहीं है, यहाँ पे सिलोम में यहाँ पे आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट नेचर, यहाँ यूनिसेक्सुअल। अब जरा सिमिलरिटी देखो तो कोई इतनी बड़ी बड़ी सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन डिसिमिलरिटी देखो तो बहुत अलग है बेटा, यहाँ आर्गन लेवल, यहाँ आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ना, समझ रहे, क्लियर हो गया। कर दे